हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा साइंस में न्यू टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम। क्लास 8 साइंस कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर 5 जो हमें आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें इसमें जो मेन है उनके बारे में डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल 3 टाइप्स के होते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। थर्ड पॉइंट, प्रिवेंटिंग एन एनर्जी क्राइसिस, यानी नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं इनके बारे में जानना है हमें। फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस कैसे डेवलप हुए। प्रिवेंटिंग एन एनर्जी क्राइसिस, यानी ये जो एनर्जी देने वाले प्रोडक्ट्स हैं इनकी कमी के होने को हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। सबसे पहले, Our Earth is only planet in the universe known to support life. The stock of nature which are beneficial to mankind are called natural resources. हमारी जो पृथ्वी है एक ऐसा planet है जिस पर जीवन संभव है, और इस पर जो चीज़ें पाई जाती हैं nature में, जो चीज़ें मौजूद हैं वो मनुष्य के बड़े ही काम की हैं। यानी जो इस पृथ्वी पर पहले से चीज़ें मौजूद थी हम उसे natural resources कहते हैं। We use various material for our basic needs. हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। Some of them are found in nature. कुछ नेचर में पहले से मौजूद हैं, and some have been made by human efforts. और कुछ को मनुष्य के द्वारा बनाया गया। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, और सेकेंड नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। यानी नेचुरल रिसोर्सेज कितने तरीके के हुए? दो तरीके के, लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज और सेकंड नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज। आगे बढ़ते हुए, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन्हें, इनकी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्हें दो बातों में क्लासिफाई किया गया। नंबर वन, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, और नंबर टू, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कुछ चीज़ें जो कि नेचर में मौजूद हैं और अनलिमिटेड मात्रा में मौजूद हैं, और उनके खर्च होने या ना खर्च होने से इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता है। यानी इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या कहता है? आर दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी फिनिश्ड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी ये हमारी अर्थ पर अनलिमिटेड मात्रा में मौजूद है और मनुष्य की एक्टिविटीज़ के द्वारा भी हम इसे ख़त्म नहीं कर पाते। सनलाइट एग्जाम्पल, एयर, वाटर आर इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। सेकंड, एग्जॉस्टेबल, यानी ये वो चीज़ें हैं जो हमारी अर्थ पर पाई तो जाती हैं लेकिन अगर हम उसका यूज़ बहुत ज़्यादा करने लगेंगे तो वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएंगे। आर दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट इन नेचर एंड आर लाइकली टू बी फिनिश्ड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी ये हमारे नेचर में लिमिटेड मात्रा में पाए गए हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगर ज़्यादा की जाएगी तो ये धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। यानी जंगल, आपके जंगली जानवर, कोयला, पेट्रोलियम ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये एक समय ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएंगे। उसी के आधार पर दो पॉइंट्स और आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा रीअरेंज कर लेना, और नॉन रिन्यूएबल का कि किसी चीज़ को हम दोबारा अरेंज कर ही ना पाए। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज विच गेट्स रिप्लेस नेचुरली इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कुछ एनर्जी जो अपने आप नेचर में कम ही समय में दोबारा से रिस्टोर हो जाती हैं उन्हें हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। यानी जो आपके इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल यानी जो हमारे अर्थ में जल्दी से दोबारा से रिन्यू नहीं हो पाएंगे उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज विच आफ्टर गेटिंग यूज्ड अप
कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी वो चीज़ें जो छोटे कम समय अंतराल में दोबारा से रिप्लेस नहीं हो सकती हैं, उसे हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ हैं। ठीक है, अब आगे फॉसिल फ्यूल। व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल क्या है, इसके बारे में हम क्या जानना चाहते हैं, वो सारी बातें करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर ब्यूड इन टू द सॉइल मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल। यानी फॉसिल फ्यूल क्या है? जो जीव जंतु, पेड़ पौधे हजारों अरबों सालों पहले जब वो मर जाते हैं और उनके ऊपर लेयर्स, मिट्टी की लेयर, क्ले की लेयर चढ़ जाती है, तो वो धीरे धीरे कोल में, पेट्रोलियम में या नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो डेड रिमेन ऑफ किससे बने? ये प्लांट से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बने, लेकिन जो डेड हो चुके थे और हज़ारों सालों पहले मर चुके थे और उनके ऊपर जब बहुत ज़्यादा लेयर्स ऑफ सॉइल क्ले की हो गई, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में, पेट्रोलियम में एंड नेचुरल गैसेस में। इसी को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो सबसे पहले फॉसिल फ्यूल में हम कोल के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज कोल? कोल इज ए फॉसिल फ्यूल। इट इज़ ब्लैक इन कलर। कोल फॉसिल फ्यूल है, काले रंग का है एंड हार्ड एज अ स्टोन, और इतना हार्ड है जैसे एक पत्थर हार्ड होता है। इट इज़ फॉर्म ओवर ए पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर by the gradual decay and compression of viewed remains of ancient forest। यानी कोल किससे बना? हजारों अरबों सालों पहले जो पेड़ थे, जंगल थे, जब वो कभी टूट गए, गिर गए, बाढ़ आ गई या पेड़ सारे गिर गए, तो वो किसी एक गड्ढे में दबते चले गए, तो वहाँ उनके ऊपर मिट्टी पड़ गई और क्ले आ गई, बहुत सारी लेयर्स जो सॉइल की थी, उन मरे जो पेड़ पौधे थे जो गिर गए, मर गए, उनके ऊपर जब चढ़ जाती है तो वो नीचे दबते चले जाते हैं। कोल वाज फॉर्म फ्रॉम प्लांट्स। यानी कोल किससे बना? प्लांट से बना, जो कि बहुत गहराई में पेड़ दब गए थे और उनके ऊपर बहुत सारे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो रही थी हजारों सालों से। अब वो धीरे धीरे वहाँ का जो प्रेशर होता है, अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई टेम्परेचर, और उनकी जो बॉडी है, प्लांट्स की बॉडी है, उसमें जियोलॉजिकल एक्शंस होता है, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी है वो कोल में कन्वर्ट हो जाती है। थ्रू जियोलॉजिकल एक्शन द लीड टू द क्रिएशन ऑफ दिस सॉलिड मटीरियल, और वो एक सॉलिड मटीरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए डेड प्लांट मटीरियल इन टू कोल इज कॉल्ड कार्बोनिएशन प्रोसेस। यानी जो पेड़ पौधे हैं जो मर गए हैं, जब वो कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को कार्बोनेशन प्रोसेस कहते हैं। कोल इज प्रोसीड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स। यानी इन कोयले को बहुत खदानों से निकाला जाता है, जैसे कि जमशेदपुर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में कोयले की खदानें पाई जाती हैं, वहाँ से कोल को निकाला जाता है। कोल के कुछ प्रोडक्ट्स और भी हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। कोक है, कोल तार है, कोल गैस है। कोल तार को तो आप सभी जानते हैं, इसका सड़क बनाने में उपयोग किया जाता है। कोल गैस एज ए डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और लंदन में स्टार्टिंग में इससे स्ट्रीट लाइट्स को जलाया जाता था। कोक भी प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल चीज़ों को रिफाइनिंग करने में, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में कोक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो कोल है, फॉसिल फ्यूल है, ब्लैक कलर का है, पत्थर जैसा हार्ड है, और इसकी जो वैरायटी है वो कोक है, कोल तार है एंड कोल गैस है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के नाम से तो आप सभी परिचित हैं। पेट्रोल यानी जिससे आपकी गाड़ियाँ, कार वगैरह चलाई जाती हैं, बाइक चलाई जाती हैं, लेकिन ये पेट्रोलियम कहाँ बना, कैसे बना, इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। पेट्रोलियम इज़ ए फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल ही है। इट इज़ ए डार्क कलर्ड विस्कस एंड फाउल स्मेल लिक्विड। यानी बहुत गहरे रंग का, काले रंग का, विस्कस चिपचिपा पदार्थ और अजीब सी स्मेल आने वाला लिक्विड है। इसे हम क्रूड ऑयल के नाम से भी जानते हैं। पेट्रोलियम इज़ फाउंड एट मॉडरेट डेप्थ 500 मीटर टू 2000 मीटर बिटवीन इम्पेरिवियस रॉक। यानी जो पेट्रोलियम है ये पाया जाता है लगभग
500 मीटर गहराई से लेकर 2000 मीटर गहराई में जो इम्पेरिवियस रॉक होती हैं अर्थ की, उसके लेयर में ये पाया जाता है। पेट्रोलियम डिपॉजिट आर यूजुअली फाउंड मिक्स विद सॉल्ट वाटर, यानी जो पेट्रोलियम है कहाँ मिला, ये आपके समुद्र में सॉल्ट वाटर में पाया जाता है। अब यानी पेट्रोल समुद्र में पाया जाता है, इसके बारे में सोचते हैं। अभी तक हमने कोल पढ़ा, तो कोल के बारे में हमने ये जाना, जो कोल है वो प्लांट से डेवलप हुआ है। जो पेट्रोलियम है ये समुद्र में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके मरने पर, जब वो हजारों अरबों सालों तक नीचे सी बेड पर दबे रहते हैं, तो उनकी जो बॉडी है वो कन्वर्ट हो जाती है और वो एक लिक्विड में कन्वर्ट होती है, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कन्वर्ट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इन टू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यानी हजारों अरबों सालों तक ये जो डेड बॉडी है इनके ऊपर मिट्टी की लेयर चढ़ती रहती है, और वहाँ पर एयर की एब्सेंस में, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की एब्सेंस प्रेजेंस में, ये जो बॉडी है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और ये पेट्रोलियम या नेचुरल गैस बनाते हैं। और जब ये बन जाता है तो ये वाटर के ऊपर अपने आप आना शुरू हो जाता है। वहाँ का एरिया जो होता है डार्क कलर का हो जाता है। तब फिर जो इंजीनियर्स वगैरह हैं इसके बारे में पता लगाते हैं कि ये सब क्या है, इसकी रिसर्च की जाती है और वहाँ से पेट्रोल को निकालने का प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम इनटू देयर वेरियस यूजफुल फॉर्म्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। यानी जो समुद्र के अंदर से पेट्रोलियम निकाला जाता है ये प्योर फॉर्म में नहीं होता, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है, और इस रिफाइनिंग प्रोसेस कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के नाम से भी जानते हैं। यूज़ यानी जो पेट्रोलियम है उसमें क्या क्या है, डीजल पाया जाता है, केरोसिन होता है, पैराफिन वैक्स होता है, वैसलीन और ल्यूब्रिकेंट ऑयल्स होते हैं। डीजल का इस्तेमाल हैवी व्हीकल्स में किया जाता है, केरोसिन डोमेस्टिक फ्यूल में इस्तेमाल किया जाता है, पैराफिन वैक्स कैंडल बनाने में, ऑइंटमेंट्स बनाने में, वैसलीन बनाने में, ल्यूब्रिकेंट ऑयल्स का इस्तेमाल ग्रीसिंग करने में किया जाता है। यानी जो ये फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम है ये सिंगल नहीं है, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें और मिक्स रहती हैं जिनका इस्तेमाल हम और चीज़ों में भी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज अनदर फॉसिल फ्यूल दैट इज फाउंड अलोंग विद पेट्रोलियम इन ऑयल वेल्स। नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल है जो कि पेट्रोलियम के साथ भी पाया जा सकता है या ऑयल वेल्स में भी पाया जाता है। नेचुरल गैस व्हेन कंप्रेस्ड एंड स्टोर्ड अंडर प्रेशर इज कॉल्ड CNG। ये जो नेचुरल गैस है इसको स्टोर किया जाता है अंडर प्रेशर, यानी इसको स्टोर करने का जो तरीका है वहाँ जो प्रेशर है वो हाई रखा जाता है, इज कॉल्ड कंप्रेस नेचुरल गैस। इन इंडिया गैस फील्ड्स हैव बीन डिस्कवर इन गोदावरी कृष्णा बेसिन मुंबई हाई एंड त्रिपुरा में। यानी इंडिया में जो इसके जो नेचुरल गैस के स्रोत हैं वो है गोदावरी कृष्णा बेसिन और मुंबई हाई और त्रिपुरा। यूज़ ऑफ CNG एज ए क्लीनर फ्यूल, इसका इस्तेमाल, ये क्लीनर फ्यूल है यानी पोल्यूशन कम करता है। और इसका दूसरा इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। यानी CNG का इस्तेमाल फर्टिलाइजर और केमिकल्स बनाने में भी किया जाता है। प्रिवेंटिंग एनर्जी क्राइसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी ये जो हमें एनर्जी देने वाले प्रोडक्ट्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, ये कैसे हैं एग्जॉस्टेबल, यानी अगर हम इन्हें लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, अगर हम इन्हें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी खर्च होंगे। तो इसी के आधार पर एक कोटेशन आता है, प्रिवेंटिंग एनर्जी क्राइसिस, यानी हम आने वाली समस्या से पहले से ही पहले कैसे अवेयर हो जाएं और हम इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। यूजिंग एनर्जी जुडिशली,
हमें इस तरह के एनर्जी रिसोर्सेज को न्याय संगत तरीके से खर्च करना चाहिए, यानी हमें जहाँ ज़रूरत है वहीं इन्हें इस्तेमाल करने, अन्यथा हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। नॉट वेस्टिंग एनर्जी, बेफालतू में हमें एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे आप CNG का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे LPG का इस्तेमाल कर रहे हो। यूजिंग मैथड वर एनर्जी स्पेंड इज लेस, यानी इस तरह के तरीके हमें ईजाद करने चाहिए जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल कम से कम किया जा सके। स्विचिंग ऑफ लाइट, फैंस एट्सेट्रा व्हेन नॉट इन यूज, इनका स्विच ऑफ रखना चाहिए हमें, लाइट का, फैन का, जब हम इन्हें इस्तेमाल ना कर रहे हों। यूजिंग प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग, किचन में हम जब LPG का इस्तेमाल करते हैं तो हमें प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना चाहिए सब्जियां बनाने के लिए, क्योंकि उसमें जो एनर्जी कंजर्व की जाती है, और कोई भी चीज़ बनाने से पहले हमें उसे थोड़ी देर पानी में डिप कर देना चाहिए, सोकिंग कर देना चाहिए, जिससे कि एनर्जी कम खर्च हो। रिड्यूसिंग कुकिंग टाइम बाई सोकिंग पर्ल्स फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग एंड कीप वेसल्स कवर्ड वाइल कुकिंग, और जब भी हम कोई चीज़ बनाएं तो उसे हमें से ढककर बनाना चाहिए जिससे कि एनर्जी का इस्तेमाल कम हो, मतलब हम एनर्जी को बचा सके। इसी तरह जब हम ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट पे हों तो हमें अपने गाड़ी के इंजन को ऑफ कर देना चाहिए। छोटे छोटे इस तरह की एक्टिविटीज़ करके हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में ये हमें सही मात्रा में मिलती रहे। धन्यवाद।